एमजे के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सुबह आपसे वीडियो शेयर की थी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कज़ाफी स्टेडियम का अचानक दौरा किया और हदायत की कि काम को मज़ीद तेज़ किया जाए, क्योंकि आईसीसी के वफद ने नवंबर के शुरू में दोबारा विज़िट करना है और तभी फैसला होगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। बहरहाल अभी आप ये देख रहे हैं कि कज़ाफी स्टेडियम का जो स्कोर बोर्ड है उसको उतारा जा रहा है। इस तरह ही स्कोर बोर्ड को अलविदा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। यकीनन इस स्कोर बोर्ड के साथ बहुत से क्रिकेटर्स की यादें वाबस्ता होंगी, जब वो सेंचुरी करते होंगे तो सजदे में शुक्र अदा करते होंगे। इसी तरह बहुत से शायकीन इस स्कोर बोर्ड को देखकर बड़े खुश भी होते होंगे और दुखी भी होते होंगे। बहुत सी यादें जो हैं इस स्कोर बोर्ड के साथ बहुत से लोगों की वाबस्ता होंगी। जिस तरह मैंने कज़ाफी स्टेडियम की छत उतारने की वीडियो बनाई थी, उसमें भी बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं इस रूफ़ के साथ, कज़ाफी स्टेडियम की रूफ के साथ। इसी तरह यकीनन बहुत से लोगों की यादें वाबस्ता होंगी इस स्कोर बोर्ड के साथ। लेकिन बहरहाल हर एक चीज़ का टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो चीज़ एक्सपायर हो जाती है। इसकी जगह न्यू डिजिटल किस्म का, लेटेस्ट किस्म का स्कोर बोर्ड लगाया जाएगा और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा जब लगाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आप देख रहे हैं कुछ कल मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी रात की, उसमें कॉलम्स बने हुए थे फर्स्ट रो के और सेकेंड रो के लिए काम शुरू किया गया था। अब देखें रातों रात सेकेंड रो पर जो पायल्स के केज हैं वो लग चुके हैं, उन पर कंक्रीट डालने का काम शुरू हो चुका है। ये बॉक्स आप देख रहे हैं, पिलर्स तैयार होना शुरू हो गए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा स्पीड से काम हो रहा है। दोस्तों ये काम स्पीड से होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आईसीसी के वफद ने नवंबर के शुरू में यहाँ पर आना है पाकिस्तान में। फ़िलहाल एक और न्यूज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त दुबई में हैं, वहाँ पर आईसीसी के डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वो डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे और ये मीटिंग हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें मोहसिन नकवी साहब ने ब्रीफिंग देनी है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की क्या रेनोवेशन की क्या अपडेट्स हैं और जो टीमों की सिक्योरिटी है उसके बारे में क्या प्लानिंग है। इस वाले से भी वो अपनी तजवीज़ अपने बयान रिकॉर्ड करवाएँगे। तो बहुत मुमकिन है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल आज हो जाए और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। इसके अलावा ये भी उम्मीद की जा रही है, ये भी प्रेडिक्शन की जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ भी बातचीत करें और उनको इत्माद मिलें कि अपनी टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजें। तो मेरे ख्याल से ये मीटिंग जो है बहुत अहमियत की हामिल है, तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या अपडेट है और आईसीसी मीटिंग में क्या फैसले हुए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त इस स्कोर बोर्ड के साथ वाबस्ता रहे हैं, जिनकी यादें स्कोर बोर्ड के साथ वाबस्ता रही हैं, वो भी ज़रूर कमेंट करके अपनी यादों का इजहार करें। बहुत शुक्रिया।